अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्राम स्किल्स अकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह गूगल एड्स के ऊपर अपने एफिलिएट आर्टिकल का ऐड रन कर सकते हैं और कीवर्ड किस तरह रिसर्च करें। और एक और चीज़ के मैं सॉरी कहना चाहूँगा पास्ट फ्यू वीडियोस के लिए, क्योंकि जो पिछली कुछ वीडियोस थी उसमें वॉइस का इशू था और मैंने आज ही सेटिंग देखी है तो वो वेबकैम का माइक सेलेक्ट हुआ हुआ था। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अब वॉइस ज़्यादा क्लियर और बेहतर आ रही होगी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल एड्स ओपन करेंगे। तो कुछ लोगों को शायद पेमेंट का भी मसला आता हो, तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं आजकल इसके ऊपर अपना अमेज़ॉन का कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड का भी है, लेकिन वो मैंने ट्राई किया और इसके ऊपर वो वर्क नहीं किया। तो अब हम क्रिएट करेंगे न्यू कैंपेन। तो आपने सर्च वहाँ से सेलेक्ट करके और वहाँ से आगे क्रिएट न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ से वेबसाइट ट्रैफिक और उसके बाद सर्च, यहाँ पे बिजनेस वेबसाइट, कंटिन्यू। इन दोनों को आपने अनचेक कर देना है। और यहाँ से हम यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट करेंगे। ऑडियंस को चाहें तो आप ज़्यादा स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर टेक के लिए, लेकिन ये इतना खास मायने नहीं रखता। तो बजट फॉर ये कर देते हैं 300, क्योंकि मेरा दिल है इस ट्यूटोरियल के लिए मैं कम से कम 1000 स्पेंड करूँ टोटल। यहाँ भी हम क्लिक सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम हम सेलेक्ट करते हैं 150। इसका एंड डेट हम कर लेते हैं 3 दिन के लिए चलाएंगे। तो से 330 कर देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं 18। उसके बाद हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब चलते हैं जी गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर। तो एक और चीज़, मैंने अब तक 3 आर्टिकल्स के लिए ये चलाया गूगल ऐड, और उनमें से 2 आर्टिकल जो थे वो मतलब गूगल सैंडबॉक्स में थे, मतलब उनकी वो सर्च में शो तक नहीं हो रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन और एड्स रन करने के बाद अब वो दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पे चले गए। तो अभी तक वो 3-4 माह से अल्हम्दुलिल्लाह वो रैंक भी हैं फर्स्ट पोजीशन पे। तो एक और भी आर्टिकल था, उसको मैंने किया था, वो कम्प्लीटली शो ही नहीं हो रहा था। अब वो भी 40-50 में शो हो रहा है आजकल। तो जी हम किसको प्रमोट करना चाहते हैं,
अपने कीबोर्ड को कॉपी करें और यहाँ से पाकिस्तान ख़त्म, सेव, गेट रिजल्ट्स। तो ये कीवर्ड आ रहे हैं साथ उनकी सीपीसी भी, तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम लो सीपीसी वाले सेलेक्ट करें। अगर हाई सीपीसी वाले भी कर लें तो उसमें इतना कोई मसला नहीं है। इसमें तीन टाइप्स होती हैं कीवर्ड्स की, सॉरी मैं कहता हूँ फोर टाइप्स, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच और एक एग्जैक्ट फ्रेज मैच होता है मेरे ख्याल से। तो हम एग्जैक्ट करेंगे क्योंकि हम इन वर्ड्स के अलावा किसी और वर्ड पे रैंक नहीं करना चाहते। तो एक हम ब्रॉड मैच भी कर देंगे। वैसे शुरू शुरू में मैं इतना ज़्यादा सीपीसी पे ध्यान नहीं देता क्योंकि ये जो है ये एग्जैक्टली करेक्ट भी नहीं होती। जब थोड़े से स्पेंड होते हैं तो जो असल सीपीसी है वो शो होना शुरू हो जाती है, तो उस हिसाब से फिर जिस पे ज़्यादा खर्च हो रहा हो क्लिक्स पे, फिर हम उस पे पॉज कर देते हैं। तो एक हम फ्रेज मैच कर लेते हैं, सॉरी ब्रॉड मैच, जो मेन कीवर्ड है उसको ही ब्रॉड मैच कर लेते हैं। ब्रॉड मैच में अगर इनकी तरतीब उलट पलट हो जाए, कोई एक दो वर्ड्स आगे पीछे हो जाएं, तो उन पे भी ऐड शो होता है, लेकिन एग्जैक्ट जो होता है इस पे एग्जैक्ट जब तक शो नहीं होते तब तक हमारा ऐड शो नहीं होता। और फ्रेज मैच में अगर यानी कि उसकी तरतीब ख़राब हो, तो आगे पीछे हो या वर्ड का कोई थोड़ा बहुत इजाफा हो, तो उस पे फ्रेज मैच शो हो जाता है। अगर आप इसको कंप्लीट डिटेल से देखना चाहते हैं तो स्किल्स एकेडमी के ऊपर इसका कोर्स है सर अली रज़ा का, ये मैंने खुद लास्ट ईयर ये कोर्स ज्वाइन किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मुझे सीखने को भी मिला। और ये कोर्स फ्री है, अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं इसकी पेड प्रमोशन कर रहा हूँ तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके देख सकते हैं इसे। अच्छा जी, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, फाइनल यूआरएल में लिखेंगे ये। अच्छा, डिस्प्ले यूआरएल वो होता है जो इधर यूज़र के शो होता है, और फाइनल यूआरएल जिसके ऊपर वो पहुंचता है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा खूबसूरत बना लेते हैं। हेडलाइन का आइडिया लेंगे हम थोड़ा अपने कॉम्पिटिटर से भी, इसमें एक और मैट्रिक्स होता है एड स्कोर कहते हैं उसे, और क्वालिटी स्कोर भी उसे कहते हैं, ऑफिशियल नेम उसका क्वालिटी स्कोर है। तो वो जितना ज़्यादा बेहतर होगा उतना ज़्यादा आपको ऐड चीप होंगे, आपको उतना ज़्यादा कन्वर्जन रेट भी अच्छा होगा, रैंकिंग भी अच्छी होगी और उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। डिटेल में जानने के लिए आपको जाहिर है कोर्स देखना पड़ेगा।
इसमें ये जो है ना कीवर्ड लिमिट का बहुत ज़्यादा इशू होता है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन का आइडिया भी ले लेते हैं अपने कंप्यूटर साहब से। हाँ ये ट्रैकिंग अगर आप क्लिक्स को ट्रैक वगैरह करना चाहें तो उस वजह से ये होती है। सर जी सेव एंड कंटिन्यू। तो ये हमारी सारी कैंपेन होगी क्रिएट। यूनाइटेड स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है और गोल ट्रैफिक है 330 पर डे मैक्सिमाइज क्लिक्स। तो ऐड हमारा क्रिएट हो गया, इसे चंद घंटे लगेंगे अप्रूव होने में। आजकल वैसे भी जो है अप्रूव काफ़ी देर बाद हो रहे हैं। तो उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा न्यू चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इंशाल्लाह एक दो दिनों तक जब ये ऐड कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसका रिज़ल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और देखेंगे इसकी इम्प्रूवमेंट। इन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट में भी थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि 38 नंबर पे आ गया और ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है कीवर्ड। अल्लाह हाफिज़।